मेरे खुदाया मेरे खुदाया। अब तो हमें आने वाले मेहमान की तैयारी करनी चाहिए ना। वो तो खाना वक्त है अभी, तू खा पी बस। साजिद थोड़े ही दिन रह गए। दिन जल्दी कट गया सारा। खुश हो? बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी पसंद की गाड़ी दिला दी। प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें खुश रखूंगा तो ही खुश रह सकूंगा ना। आप बेहिस हैं, आपको मेरा कोई एहसास नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती, मेरी कोई फरमाइश नहीं होती, फिर भी आपने मेरा दम घोट कर रखा। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हर कदम आपकी मर्जी से रखना पड़ता है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मेरे खुदाया मेरे खुदाया। नहीं बताना चाहिए था कासिम साहब को कि मैं अलीना की तरफ गई थी। अच्छा ये बताओ, आपको आपकी फ्रेंड अच्छी लगती है या आपके बाबा? बाबा, और मुझे महक अच्छी लगती है। भाई आपको भी आपके बाबा अच्छे लगने चाहिए ना। नहीं, उन्हें तो जब देखो महक को डांट रहे होते हैं। हाँ, उस दिन सर के सामने भी डांटता था। वालेकुम सलाम। कैसी चल रही है रूटीन? सर बहुत अच्छी, अब तो मैं सेट हो गया हूँ। गुड। तो ये महक बीवी दोबारा तो नहीं गई थी अपनी सहेली के घर? नहीं जी, बस वो उसी दिन गई थी। उस दिन कोई खास काम? नहीं नहीं, दोस्त है पुरानी बचपन की, कॉलेज में भी साथ पढ़ती रही है ना, मिलने चले गई होंगी, ऐसे दिल चाह रहा होगा। अच्छा ठीक है, गाड़ी बाहर खड़ी है, सर्विस करवा के ले आ। महक खुश नहीं है, माँ बाप पूछते नहीं हैं और कासिम साहब शक करते हैं, लेकिन इस सारे मामले में अलीना का क्या अमल दखल है? हेलो, हेलो भाई, फोन ही क्यों करते हो जब बोलना नहीं होता? बोलो। हेलो, तुम जो भी हो गौर से सुन लो। अब मैं किसी से डरती नहीं, इसलिए बार बार फोन करने की कोशिश ना करो। महक,
कहीं तुम महक तो नहीं हो? मुझे यकीन था कि तुम्हारा फोन जरूर रहेगा। तुम्हारा नंबर तो बंद जा रहा है, जब भी ट्राई करती हूँ हमेशा बंद मिलता है मुझे। मैं तुम्हारे घर भी गई तुमसे माफी मांगने, पर तुम मुझे कभी वहां नहीं मिली। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम जानती हो, अम्मी और भाई मुझसे हमेशा हमेशा के लिए नाराज होकर चले गए। पता ही किसकी वजह से हुआ? ये उस मनहूस जलील खटिया इंसान साजिद की वजह से। ये महक नहीं थी, कहीं कहीं वो घटिया इंसान तो नहीं था? वहां महक इससे मिलना चाहती है और ये महक से। अगर दोनों मिल गई तो इस बार जेल नहीं, फांसी का फंदा इस गर्दन में पड़ेगा। साजिद, मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर फिलहाल तो ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। सर वो बीवी की तबीयत सही नहीं है, यहाँ देखने वाला भी उसे कोई नहीं है। मैं सोचा था गांव ले जाऊं उसे। तुम लोगों के ये बड़े मसले होते हैं, कभी बीवी की डिलीवरी है, कभी फूफी दादी की तीमारदारी करनी है, जाना है। जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें इस घर में, अब तुम्हें जाना पड़ गया। वो साहब घबरा रही है, पहला पहला बच्चा है ना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपनी जगह किसी को यहाँ रखवा के जाओगे? साहब मैं तो किसी को नहीं जानता, और कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं है जिसे बच्चों का मामला है, महक बीबी का मामला है, कैसे दे दूं किसी के हाथ। अभी 1-2 दिन हो ना? जी जी, बस ठीक है। बच्चों को देर हो रही है स्कूल लेके जाओ, और महक बीबी को लेके जाना, उसने स्कूल वालों से बात करनी है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अलीना बात कर रही हूँ। सर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज हॉस्पिटल नहीं आ सकूंगी। मिस अलीना, ये हॉस्पिटल है, किसी बच्चे की नर्सरी क्लास नहीं। अगर आप आज नहीं आ सकती हैं तो कल आने की ज़हमत भी मत कीजिए। लेकिन सर, जाना बहुत जरूरी है क्या? जी महक बीबी, वो बीवी की मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, यहाँ मुझसे अकेली संभल नहीं रही है। फिर वहाँ गांव में उसकी माँ भी बहुत शोर कर रही है, उसको ले गया ले गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सारी सी बात है, माँ तो परेशान होगी ना, और कैसे इस हालत में छोड़ सकती है अपनी औलाद को। हाँ हेलो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, तू हौसला करना। अच्छा अच्छा सुन, अच्छा सुन, ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ तू पानी वानी पी, हौसला कर। नहीं नहीं परेशान नहीं हो, मैं आ रहा हूँ ना। अरे पहुंच रहा हूँ ना। क्या हुआ साजिद भाई? ओ मैं भी बीवी की तबीयत सही नहीं है, कह रही अस्पताल जाना है उसको लेके, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या करने चले आप? अच्छा शुक्रिया मैं भी आपका बहुत बहुत। मुझे खुशी है कि आपने आकर यहाँ समझदारी का फैसला किया है।
काम करना मेरी मजबूरी है सर। देखिए हर इंसान किसी ना किसी मजबूरी के तहत जॉब करता है। आप तो खुश नसीब है कि आपको ये जॉब मिल गई, वरना आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मेरी मिन्नतें कर रहे थे इस जॉब के लिए, लेकिन मैंने देखते ही ये फैसला कर लिया था कि जॉब तो मैं आपको ही दूंगा। बहुत शुक्रिया। डे और नाइट दोनों जगह मैंने आपका नाम लिखवा दिया, प्लीज़ मना मत करिएगा। अच्छा जी बताएं, आज जॉब से फारिग होने के बाद आपके क्या प्रोग्राम है? जी आज शाम में हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ कि हर घटिया इंसान के सर पर सिंह क्यों नहीं लगता। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? जो लोग इस जॉब के लिए तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं, अगर तुम्हें उनमें से तुम्हारी तरह कोई घटिया लगे तो ये जॉब उनको दे देना। मुझे ये बताओ, तुमने मुझे किसके कहने पर बर्बाद किया? जी हेलो। हाँ क्या बोल रही थी तुम? बस फिर साजिद भाई मुझे छोड़ के हॉस्पिटल चले गए थे। और बच्चे कैसे आएंगे अब? आपको ही लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा है कि मैं यहाँ कितना मसरूफ हूँ? आज के लिए तो किसी भी तरह मैनेज करना होगा आपको। ये भी तो अच्छा हो गया कि साजिद भाई को गाँव नहीं जाना पड़ा, अब यहीं रहेंगे वो। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ करता हूँ। अच्छा वो मैं बहुत मजे का खाना बना रही हूँ, अच्छा है ना आप आ जाएंगे यहाँ? अच्छा ठीक है ना आ रहा हूँ, रखो फोन। तुमने मुझे महक के कहने पर बर्बाद किया ना? हाँ 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 मैंने महक के कहने पे ये उसने पैसे दिए थे मुझे, मैं मजबूर था। अब तुम महक को मेरे कहने पर बर्बाद करोगे। आज पहली बार मैंने तुम्हें इतना खुश देखा। मेरा जी चाहता है कि हमारा भी एक बेबी हो। पता नहीं क्यों आज पहली बार ये ख्याल आया है कि तुमसे अपना रिश्ता मजीद मजबूत करना। सितारा तुम? माशाल्लाह
अल्लाह नजर ना लगाए दोनों के प्यार। थैंक यू। तुम अचानक यहाँ? वो बच्चों से मिलने का बहुत दिल कर रहा था ना मेरा, इसलिए आ गई। और तुमने बताया था ना कि महक की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इससे मिलने आई। कैसी है महक? ठीक, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। शायद तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी जिंदगी में एक अलग दायरे में हो, मेरी फैमिली मेरा घर एक अलग दायरे में। ठीक है, मैं जाती। मैंने ये नहीं कहा कि तुम चली जाओ, लेकिन इस तरह अचानक तुम्हारा आ जाना महक को नागवार नहीं गुजरा, लेकिन तुम्हें? मुझे इसलिए नागवार गुजरा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी औरत में इतना सब्र या बर्दाश्त नहीं होता। महक अगर कुछ कहती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके दिल में कोई बात नहीं है। मेरा तुमसे मिलना उसे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में वो कुछ नहीं कहती मुझे। तुम तो कहते थे कि तुम्हें महक की परवाह नहीं है, आज उसके बारे में बातें सुन के मुझे हैरत हो रही है। सितारा, तुम जानती हो कि मैंने बच्चों की वजह से महक से शादी की थी। वो बच्चों का ख्याल सही से रख रही है, घर का ख्याल रख रही है, मेरा ख्याल रख रही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब, जिसके नतीजे में मेरा घर डिस्टर्ब। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चलती। चली गई? हाँ चली गई। नाराज तो नहीं गई? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है महक। अच्छा, चाय से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही। आपको दूसरी बना देती हूँ। दो कप बनाना, इकट्ठे पिए। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैं तुमसे बात करने आई हूँ, तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ, मैंने महक के कहने पे ये उसने पैसे दिए थे मुझे, मैं मजबूर था। माय फुट, तुम इस काबिल ही नहीं थी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी खुशियों को तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी हंसी को मैं आंसुओं में बदल दूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अब तुम महक को
मेरे कहने पर बर्बाद कर दो। हेलो। हाँ, ले आए बीवी को घर? हाँ, छुट्टी हो गई। अच्छा, कल आके मुझसे मिलो। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और अपने काम से भी छुट्टी ली हुई है, समझी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलना है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। घर? देखो, हॉस्पिटल से तुम्हारा नंबर निकलवाना मुश्किल नहीं था तो एड्रेस भी नहीं होगा। चलो, सुबह तुम्हारे घर मिलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आ जाऊंगा जहाँ बुलाएगी। बताओ कहाँ आना है? मेरी आंख के इशारे पर नाचता था। कहाँ है वो कासिम और कहाँ ये सबर, हौसला, एहसास से दिल? उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये सब महक की मक्कारी है। उसी ने इतनी होशियारी से, इतनी चालाकी से उससे छीन कर अपना बना लिया तुम्हें। लेकिन मेरा नाम भी सितारा है, इतनी आसानी से तुम्हें उसका होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। उसे ही तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी मैं। चले गए थे आप? इधर आओ, बैठो। क्या हुआ? Thank you.
कैसी लगी? अच्छी है ना? पता? मैं तुम रो रही? बताओ क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी तुम्हें? रो क्यों रही? तुम्हें अच्छी लगी? थैंक यू तो बोलो। यहाँ आकर तुमने समझदारी का फैसला किया साजिद। अंदर आ जाएं सर, बुला रहे इंटरव्यू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे। अरे भाई ये तो हरमत सोती क्यों रहती है? ये तुम्हारी बिटिया जो है छोटी है अभी। साजिद तुमने अब तक बच्ची का नाम नहीं रखा। नाम? मेरा नाम तो होना चाहिए इसका यार। अरे तो फिर इसका कोई नाम भी तो रखो ना। अरे बड़े नए नए नाम रखते हैं लोग आजकल, पता नहीं मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा इस ध्यान में। हानिया, राबेल, अनाया, अबीरा। चल ठीक है, जो तुझे समझ आए रख ले। साजिद तुम्हें बेटा चाहिए था ना। ये क्या बात कर दी किरण तूने? जो दिल ने महसूस किया कह दिया। अबे क्या पागल पागल हो गई है? अबे मैंने तो अल्लाह पाक से मांगी थी रहमत उसकी, उसने रहमत दे दी मुझे, बस मेरे लिए काफी है। अबे जान है ये मेरी जान, मेरा गुरूर है ये बच्ची, बात करती है। अच्छा बेटी के अब्बा तो बेटी का नाम भी तो रखो। अबीरा, लारे, दुआ, हानिया। दुआ?
हैं, दुआ रख देते। अच्छा नाम है ना छोटा सा, कहने में भी आसान है। अरे मेरी दुआ अपने बाबा के लिए दुआ करेगी ना हैं? ये सोती क्यों रहती है? छोटी सी तो है साजिद। अच्छा मैं इसके लिए पानी गर्म करती हूँ, नहलाना भी इसको है। हाँ। ख्याल रखना। पानी गर्म जल तो नहीं जाएगी? अरे ज्यादा थोड़ी करूंगी, थोड़ा सा सही। आपने जो कुछ भी मुझे बताया अपने बारे में, मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपकी हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ कि आप जिंदगी की ये जंग लड़ रही हैं, लड़की होते हुए। सर मुझे ये जंग लड़नी नहीं, जीतनी भी है। अल्लाह आपको कामयाब करे इस जंग में। आपने मुझे बताया कि आपने किसी हॉस्टल में कुछ अरसा सुपरवाइजर की जॉब की है, इसीलिए आपको मैं अपने स्टोर में स्टाफ की सुपरविजन की नौकरी दे रहा हूँ। 30,000 आपकी सैलरी होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, सीएनआईसी आपका इसमें है, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट बनवा देता हूँ। नूरजहां सर, मेरे भाई ने मेरा मतलब कहा था जी, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है मिस नूरजहां के नाम से, नई हायरिंग है, डॉक्यूमेंट्स ले जाएं आज। आप बैठिए वेटिंग लाउंज में, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। थैंक यू सर। साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई आप कहाँ पर हैं? जी बीवी जी, मैंने साहब को बता दिया था, बच्चों को स्कूल छोड़ के ना मैं यहाँ अपने घर आ जाऊंगा, और फिर जब छुट्टी होगी तो बच्चों को लेता हुआ घर वापस आ जाऊंगा। अच्छा, कोई काम था आपको? नहीं बस वो दही मंगवाना था। जी जी बीवी जी, ठीक है, मैं वापसी पे लेता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है। आप इस वक्त? हाँ थोड़ा सा काम से रिलीफ मिला तो सोचा तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूं। इतना तो मैं जानती हूँ, इस वक्त आपको स्टोर से रिलीफ तो नहीं मिल सकता। सच सच बोले, मेरी मोहब्बत आपको खींच कर लाई है। ये बात तो है। एक बात और भी, अपने सर से काम का बर्डन कुछ कम करने के लिए एक लड़की को मुलाजिम रखा है मैंने, उसके सर पर डालकर आया हूँ सारा काम, देखना चाहता हूँ मेहनत करती भी है या नहीं। अच्छा तो ये बात है? बिल्कुल, और झूठ मैं बोलता नहीं। अच्छी बात, बच्चों को स्कूल से लेने चले, बहुत खुश होंगे। नहीं ये बताओ पकाया क्या तुम? एक मिनट, किसकी कॉल आ गई? तुम्हें बुरा लगता होगा ना जब मैं सितारा से बात करता हूँ, उससे मिलता हूँ। बहुत बुरा। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि मेरे और सितारा के दरमियान कभी मत आना। मैं ही आज कह रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि सितारा अब तुम्हारे और मेरे दरमियान ना आए। अच्छी लगी? बहुत। खुश हूं कि तुम खुश हो।
क्या पकाया ये पूछा था मैंने। मैं अभी ला। साजिद भाई, साजिद भाई जी, मैं गिरी। आप छुट्टी कर लें, काम हो गया। ये गाड़ी की चाबी। अच्छा, शुक्रिया। ये मैं देख, मैं देख जाइए। कहाँ वाली? कहाँ वाली? क्या है? अच्छा इधर। हाँ, यही देख। अच्छा लगा आज आपको फ्रेश देख। मैंने बच्चों को उठा दिया, आप जाके पढ़ा जी। आपने ड्यूटीज चेंज की है? I'm so sorry sir. मुझे आपकी इजाजत के बगैर नहीं करना चाहिए था। ये बात बताऊं आपको, मैं कुछ अरसे से सोच रहा था कि अपने स्टाफ की ड्यूटीज चेंज करूंगा। इसका मतलब है कि मैंने सही किया? ठीक किया आपने। हेलो सितारा। हाय। आप जाइए। थैंक यू। डार्लिंग कहना भूल गए हो या फिर कहना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। सितारा, ऐसा नहीं है। कसम, साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? बैठो तो सही। देखो सितारा, मैं मानता हूं कि हमने बहुत वक्त, बहुत अच्छा वक्त एक साथ गुजारा है। तुमने मुझे बहुत संभाला है, बहुत समझाया है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बदले में अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं, मुझे दिलो जान से प्यारे। मैं कोई भी ऐसी हरकत या आदत कैरी नहीं करना चाहता जो आने वाले कल में मेरे बच्चों की शख्सियत पर असर डाले। मेरे ख्याल में मुझे ऐसी कोई भी आदत या हरकत छोड़ देनी चाहिए। नहीं, ये सब कुछ तुम्हें महक ने समझाया है ना? नहीं, बच्चे तो तुम्हारे पहले भी थे, अम्मा ने संभालती थी ना, बहुत अच्छे से परवरिश करती थी। मेरा ख्याल था वो, और गलत ख्याल। मेरे बच्चों को परवरिश की नहीं, तरबियत की जरूरत। महक ने एक माँ बन के उनकी बहुत अच्छी तरबियत की। पहले उसने मेरे बच्चों की माँ बन के मेरा दिल जीता, फिर मेरी बीवी बन के मेरा दिल जीता। तो ये कहो ना कि महक नहीं चाहती कि तुम उससे मिलो। हाँ,